नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पवन। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला ऊना के बचत भवन में कोविड 19 और सूखे जैसी स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। लाहौल स्पीति के गोंधला में गिरा हिमखंड, एक सप्ताह बंद रहेगा मनाली लेह मार्ग। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि कृषि व सिंचाई के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा जिला सिरमौर पांवटा साहिब क्षेत्र के लिए 60 करोड़ का प्रपोजल तैयार। धर्मशाला में करेरी झील ट्रैक पर पाकिस्तानी मोबाइल फोन कंपनी का सिग्नल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला ऊना के बचत भवन में कोविड 19 और सूखे की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि लोगों को फेस मास्क, सामाजिक दूरी बनाए रखने और प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने जिले में सूखे की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं को जोड़ने के प्रयास के अलावा पानी की कमी वाले क्षेत्रों की बस्तियों को जल आपूर्ति की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना में कोविड और सूखे की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नागरिक संगठनों से आग्रह किया कि वे कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वेच्छा से परीक्षण के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि यह न केवल उनकी रक्षा करेगा बल्कि इस वायरस को फैलने से रोकने में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धार्मिक संगठन के प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि वे विभिन्न सामाजिक समारोहों में बड़ी संख्या में सभाओं में शामिल न होने के लिए लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने डॉक्टरों को स्वयं को व्यक्तिगत रूप से शामिल करके कोविड 19 रोगियों का समुचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज के लिए आने वाले मरीजों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मरीज पर बुरा असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड मामलों की संख्या में तीव्र वृद्धि होना चिंता का प्रमुख कारण है। प्रदेश में केवल 218 सक्रिय मामले थे, लेकिन आज यह संख्या 8400 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लोगों को महामारी से लड़ने के लिए सरकार का सहयोग करने के लिए प्रेरित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचलियों की प्रदेश वापसी सुनिश्चित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिले में सूखे की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं को जोड़ने के प्रयास के अलावा विभिन्न गांवों में पानी की आपूर्ति और पानी की कमी वाले क्षेत्रों की बस्तियों को जल आपूर्ति की जानी चाहिए। वहीं सरकार द्वारा की गई घोषणाओं में प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में की गई सभी घोषणाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सभी विकासात्मक योजनाओं के समयबद्ध पूरा होने से न केवल क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि इन विकासात्मक परियोजनाओं की लागत में वृद्धि से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नई और पुरानी परियोजनाएं जिन पर कार्य होना बाकी है की रिपोर्ट तैयार की जाए और एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ उन पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से लोक निर्माण और जल शक्ति विभागों में अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तो अभी तक भी हमारे पास रास्ता माध्यम वही है जो हम एक साल पहले करते थे। उसमें सोशल गैदरिंग्स पर हमको थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस जो हमने लगाई हैं उनका हम पालन करें, और उसके बाद जो कोविड के प्रोटोकॉल के तहत कुछ चीजें तय की है, मास्क लगाना, उसके बाद मास्क लगाने के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, बार बार हाथ धोना और उन सारी बातों पर सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो वही एक माध्यम है इस वायरस से बचने का। और सोशल गैदरिंग्स कैसे कम की जा सके, इन सारी चीज़ों पर सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करें।
शादियां हो रही हैं, आज ही मुझे कहा जा रहा था, बता रहे थे कि कहीं शादी हो रही है तो बड़ी शादी हो रही है, बैंड बाजे के साथ हो रही है शादी, तो ये सचमुच में थोड़ा चिंता का विषय है। हमने जो कहा है उस पर पालन करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर करें कि शादियाँ हों लेकिन शादियाँ छोटी हों, जो हमने तय किया है उसके अंतर्गत, ताकि हम संक्रमण को रोक सकें। ये भी मुझे लगता है कि एक चीज़ है जिसको सोचने की जरूरत है। बाकी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, चर्चा कर ली हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका सहयोग और आप सबका समर्थन, जैसे पिछले साल से लगातार हमको इस संकट के दौरान मिला है, और हम एक दौर में क्या है, दो दौर में हम जो संकट से बाहर निकले की परिस्थिति में भी पहुँचे, लेकिन संकट फिर से बार बार इस तरह से आ रहा है, लेकिन हौसला और आपका सहयोग अगर इस प्रकार से कायम रहता तो निश्चित रूप से अर्थतत्वा जो है हम सफल होंगे, इस संकट से बाहर आएंगे। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के पोस्टपोन किए जाने पर सोशल मीडिया में हो रही बयानबाजी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया तय नहीं करेगा कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण है और कोविड के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पीएम मोदी के साथ हुई चर्चा के दौरान सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मिली सहमति के बाद लिया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की राजनीतिक रैलियों को बंद किए जाने के बयान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सहमति जताई और कहा कि प्रदेश में केवल कोविड-19 समीक्षा बैठकों का ही आयोजन किया जाएगा। हमीरपुर में देर शाम को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बचत भवन में कोविड-19 समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर पुलिस जवानों द्वारा मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भेज दिया गया। वहीं इस मौके पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, विधायक नरेंद्र ठाकुर, विधायक कमलेश कुमारी के अलावा जिला हमीरपुर के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया और सभी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आए दिन कोविड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसके मद्देनजर पूरे प्रदेश के जिलों में जाकर कोविड समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी व्यवस्थाएं कोविड से निपटने के लिए उपलब्ध हैं। वहीं केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश से ऑक्सीजन सिलेंडर वापस लिए जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मास्क, पीपीई किट, वेंटिलेटर, बेड, सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों पर जवाब देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करने वालों को कोविड के बारे में पूर्ण ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से एहतियात के तौर पर ही बोर्ड के एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करने से पहले सभी यह जान लें कि सरकार के लिए हर विद्यार्थी महत्वपूर्ण है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के राजनीतिक रैलियों को बंद करने के बयान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सहमति जताई और कहा कि शांता कुमार के बयानों पर वह पूर्णतः सहमत हैं और केवल कोविड समीक्षा बैठकों का ही प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में किसी भी चीज की शॉर्टेज नहीं है, इन सारी चीजों के लिए हम रिव्यू करने के लिए आए हैं। वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की बात है, चाहे वो पीपी किट की बात है, चाहे मास्क की बात है, सैनिटाइजर की बात है, वेंटिलेटर्स की बात है, और चाहे वो बेड कैपेसिटी की बात है, तमाम सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो उपलब्ध हैं और जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। और उसके साथ साथ में हम इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि जो वैक्सीन का हमारा अभियान चल रहा है उसको और ज़्यादा फोकस करके जो है इसको भी आगे बढ़ाएं। कोविड के चलते हमारा ये मामलों को जो इंक्रीज आ रही है उसके कारण जो है किसी भी सूरत में हमारे पास जो है ये वैक्सीन अभियान जो है ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर से अब हम इस बात के लिए भी सुनिश्चित कर रहे हैं जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उसके बाद एनजीओज हैं, वो भी आगे बढ़ करके काम करें। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनके लिए बेटर मैनेजमेंट के लिए कैसे हो सके, ताकि उनको अच्छी तरह से सुविधा वहीं पर उपलब्ध करा सकें, और उसके बाद जो हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास पेशेंट हैं उनके लिए वहाँ पर बेहतर सुविधा कैसे कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करने के लिए।
विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ग्राम पंचायत कुरल में 5 लाख से निर्मित सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण व पर्यटन विभाग से कुल देवता मंदिर ठंबा महादेव के 5 लाख से सौंदर्यकरण कार्य का भूमि पूजन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 2,45,00,000 रुपए की लागत से उठाव पेयजल योजना कुरल सिंहोटू व मरहू का निर्माण किया जा रहा है, जिसमे टैंकों के निर्माण के अलावा पेयजल वितरण प्रणाली का सुधार करने के साथ 500 नए नल भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुरल रक्कड़ और सिंहोटू में पेयजल सुधार के लिए 15 लाख रुपए से ट्यूबवेल स्थापित किए गए हैं, जिसका लाभ आम आदमी को प्राप्त हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि कुरल क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उठाऊ सिंचाई योजना कुरल के कमांज क्षेत्र के विकास के लिए 1,20,00,000 से RCC कुहल का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से सजग रहने और इसके बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सुलह हल्के में सभी PHC स्तर पर कोरोना वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि कुरल हेल्थ सब सेंटर में भी वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कुरल में पंचवटी वाटिका ठंबा महादेव मंदिर में शेड बनाने को 5 लाख व पंचायत घर के लिए 5 लाख देने की भी घोषणा की। कुरल क्षेत्र में RCC कुल का निर्माण किया गया है, लगभग 1,20,00,000 रुपए इसके ऊपर खर्च हुआ है। उठाऊ पेयजल योजना कुरल सिंहोटू व मरहू का निर्माण, टैंकों का निर्माण हो रहा है और वितरण प्रणाली जो है सारी पाइपों को बदलने का काम शुरू हो गया है। हर घर में लगभग 500 नल जो है हम हर घर में लगाएंगे। 2,45,00,000 हर घर में हम नल लगाएंगे, ये भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। जल जीवन मिशन में और कुरल पंचायत के अंतर्गत एवं नया ट्यूबवेल लगाकर चलाया गया है। इससे कुरल सहित रक्कड़ व सिंहोटू गांव का पानी की समस्या का समाधान किया गया है, ये मैं कहना चाहता हूं। सिरमौर जिला में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नदियों का पानी खेतों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि सिंचाई की सुविधा मिलने से किसान अपनी फसल का अच्छा उत्पादन कर सके। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि जिला की प्रमुख नदियों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पानी उठाने के लिए प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। शुरुआती चरण में पौंटा साहिब क्षेत्र में गिरी नदी से पानी उठाने के लिए 60 करोड़ का प्रपोजल तैयार किया गया है। सुखराम चौधरी ने कहा कि नदियों के जरिए जब खेतों में भरपूर मात्रा में पानी पहुंचेगा तो इससे के क्षेत्र में क्रांति आएगी। जो हमारी नदियां हैं, इनमें से उस क्षेत्र के लिए, चाहे रेणुका का क्षेत्र है, पोंटा का क्षेत्र है, शिलाई का क्षेत्र है, जहां जहां हमारी प्रमुख नदियां हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से स्कीमें आइडेंटिफाई करके हम उनको जल्द से जल्द जो है वो स्कीमें बनाएंगे। और जो हमारी दो नहरें हैं, पोंटा में गिरी दाया तट नहर, गिरी बाएं तट नहर, उसके भी हमने 60 करोड़ की प्रपोजल जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भेजी है। और इसे जिला सिरमौर की और भी बहुत सी स्कीमें हैं, एक क्रांति आएगी जब ये सारी स्कीमें स्वीकृत हो जाएंगी और जिला सिरमौर कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा, सिंचाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने पालमपुर नगर निगम में मिली जीत को प्रदेश की बीजेपी सरकार के 3.5 साल की नाकामियों के खिलाफ जनता का जनादेश करार दिया है। और उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव जीती है तो खुशियां भी मनाएगी और उपचुनाव में भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पालमपुर चुनावों में बीजेपी ने धनबल और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन भाजपा सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल की विफलताओं के कारण सोलन व पालमपुर में कांग्रेस की MC बनी है और उल्टी गिनती सरकार की शुरू हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि फतेहपुर व मंडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही जीत दर्ज करेगी। पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने नगर निगम चुनावों में मिली जीत के लिए पालमपुर की जनता का आभार जताया है और कहा कि बड़ी जीत के साथ कांग्रेस पर बड़ी जिम्मेदारी भी आई है, जिसका पार्टी निर्वहन करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्षदों के साथ बैठक कर उनके प्राथमिकताओं पर मंथन किया जाएगा व विभिन्न समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। कांग्रेस का उद्देश्य शहर में बिजली, पानी, कूड़ा निष्पादन की समस्याओं को हल करना है। उन्होंने कहा कि यदि कोई ग्रामीण इलाका नगर निगम क्षेत्र से बाहर निकलना चाहेगा तो हमारी सरकार आने पर जनगणना के बाद उसे बाहर किया जाएगा और यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र MC में रहना चाहता है तो उसकी पूरी सहायता की जाएगी। पार्टी का लक्ष्य पालमपुर को अच्छा व स्वच्छ शहर बनाना है।
बुटेल ने प्रदेश सरकार को भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की बात सुनने की सलाह दी है। वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार को पब्लिक मीटिंग नहीं करनी चाहिए। इस पर बुटेल ने कहा कि वह शांता कुमार के बयान से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि शांता कुमार पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। शिमला में मीडिया से मुखातिब बुटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले वर्ष भी कोरोना से निपटने में असमर्थ थी और इस वर्ष भी कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद भी सरकार इससे निपटने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 1 साल बीत जाने के बाद भी कोरोना से निपटने के लिए कोई भी उचित व्यवस्था नहीं कर पाई है। पालनपुर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बहुत बड़ी जीत हमें कांग्रेस पार्टी को वहां से मिली है और 11 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है। एक इंडिपेंडेंट भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, वो भी हमें एक जीत वहां पे मिली है। और बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर 15 में से 2 सीट ही जीत पाई है, तो इसका सारा का सारा श्रेय जो है वो पालनपुर की जनता को जाता है। उन्होंने बहुत सोच समझ कर वोटिंग की और मैं अपने आला नेताओं का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने जो प्रचार में आए। मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष, आशा कुमारी जी, ठाकुर कौल सिंह जी और बाकी सभी नेता, इंद्रदत्त लखनपाल जी, रामलाल ठाकुर जी, ये सब प्रचार में थे और इनका धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि इनमें से कोई भी नेता, कोई भी डिमांडिंग नेता नहीं थे। चाहे 10 आदमियों की भी अगर मीटिंग हम लोगों ने की तो इनको कोई उसमें मीटिंग करने में कोई गुरेज नहीं था और हमने जगह जगह जाकर हर एक वर्ग को टच किया और हर एक आदमी को वहाँ पर हम लोगों ने टच किया। और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, नगर निगम से जो संबंध रखता है वो भी, और पालनपुर विधानसभा क्षेत्र का हर एक कार्यकर्ता बहुत सतर्क था और बहुत तेजी से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोविड काल में एकत्रित हुए सहयोग राशि का ब्यौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जनता के समक्ष रखे, यह मांग प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने प्रदेश सरकार से की है। प्रदेश में कोविड संक्रमितों के बढ़ते ग्राफ पर चिंता जाहिर करते हुए निगम भंडारी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना की स्थिति पर नियंत्रण पाने में जयराम सरकार पूरी तरह विफल रही है। आरोप लगाया कि सरकार खुद कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रही है लेकिन चालान आम जनता के काटे जा रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना महामारी के दौरान एकत्रित हुई आर्थिक सहयोग राशि का हिसाब प्रदेश की जनता को दे, यह बात बिलासपुर में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह पंजाब में कांग्रेस सरकार ने कोविड काल में एकत्रित हुई सहयोग राशि का ब्यौरा जनता के सामने प्रस्तुत किया है, उसी तरह हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जनता के सामने पारदर्शिता के साथ इस राशि का लेखा जोखा रखें। निगम भंडारी ने कहा कि कोरोना संक्रमितों के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं लेकिन प्रदेश सरकार इस स्थिति से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही है। भंडारी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने हिमाचल प्रदेश सरकार से 250 वेंटिलेटर वापस मांग लिए हैं, जबकि प्रदेश में भी इन वेंटिलेटर्स की बेहद आवश्यकता है। भंडारी ने आरोप लगाया कि सरकार खुद कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रही है लेकिन चालान आम जनता के काटे जा रहे हैं। वही निगम भंडारी ने कहा कि जिस तरह हाल ही में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के नेताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उस भाषा का प्रयोग उन्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कांग्रेस से माफी मांगनी चाहिए। कोरोना महामारी का ये दूसरा स्ट्रेन स्टार्ट हो चुका है, आपने देखा होगा लगातार टीवी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि पिछले 24 घंटे में 1500 से अधिक कोरोना महामारी से मृत्यु हुई है। 1 साल पहले सरकार को कांग्रेस के द्वारा चेताया गया था कि भी कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, इस पे आप क्या कड़े कदम उठा रहे हो। आज साल कंप्लीट होने को आया है, आज प्रेस के माध्यम से मैं सरकार को पूछना चाहूँगा कि जो कोरोना महामारी के समय आपके द्वारा स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड का निर्माण किया गया था, जिसके तहत पूरे प्रदेश की जनता ने और अलग अलग संगठनों ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़कर सरकार को राजनीति से हटकर मदद की थी, और जिसमें मैं बताना चाहूँगा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 81 करोड़ से अधिक धन इस कोरोना महामारी के समय इकट्ठा हुआ था। आज 1 साल होने को आया है, हम सरकार से पूछना चाहेंगे, साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ज्यों का त्यों आज भी वैसे का वैसे ही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है,
जहाँ इतना धन आपको जनता के द्वारा दिया गया उसके बावजूद भी इतनी कमी यहाँ पर क्यों आ रही है और आपकी क्या तैयारी है? मुझे नहीं लगता कि इस महामारी से लड़ने के लिए आपकी कोई तैयारी हो चुकी है। आपने प्रदेश की जनता को कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी पे छोड़ दिया है कि आप खुद आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप खुद अपने इस महामारी से लड़ाई लड़ो। और मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जितना भी धन इकट्ठा हुआ था वो पूरे के पूरे पंजाब की जनता के सामने सार्वजनिक किया था, उसी आधार पर मैं पूछना चाहूँगा कि उसी तर्ज पर आप भी 80 करोड़ से जो अधिक जो धन इकट्ठा हुआ इस महामारी के समय में उसको आप पब्लिक के सामने सार्वजनिक कीजिए, कहाँ पर आपने पैसा इस जो धन का उपयोग कहाँ कहाँ किया है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आज जो आप कोरोना महामारी के समय जो बंदिशें लगा रहे हो ये सिर्फ आप चुनाव के समय हटा देते हो और चुनाव के बाद लगा देते हो। 16 अप्रैल को चुनाव खत्म हुआ, 16 अप्रैल को चुनाव खत्म होते ही आपने बंदिशें लगाना शुरू कर दी। जब तक चुनाव था जब तक आपका अपना फायदा था तब तक आपने बंदिशें लगाई नहीं है, आप लगातार लगा रहे हो। और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी पे जो टिप्पणी की गई है, कांग्रेस के लोगों पे जो टिप्पणी की गई है, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेसी अपने खाल में रहें और कहा कि मैं जो तुम्हारे जो आपके भ्रष्टाचार की जो फाइल है उसको खोलूँगा, हम पूछना चाहते हैं अगर आपने फाइल खोलनी ही है आप फाइल खोलिए। जो कोरोना महामारी के समय जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ था पूरे देश भर में, अगर सबसे पहले बड़ा घोटाला हुआ हिमाचल प्रदेश में हुआ, उस फाइल को आपने दबा दिया है, उसमें बताइए अगर फाइल खोलनी है तो इस भ्रष्टाचार में और इस घोटाले में कौन कौन लोग सम्मिलित थे उनके नाम सार्वजनिक कीजिए। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद हिमखंड गिरने का सिलसिला जारी हो गया है। जिला की चंद्रा घाटी में गोंदला गांव के सामने वाली पहाड़ी में भारी हिमस्खलन का ताजा मामला सामने आया है। हिमस्खलन होने से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है लेकिन चंद्रा नदी का बहाव कुछ देर के लिए रुक गया। ताजा बर्फबारी के बाद लाहौल घाटी में हिमस्खलन की आशंका बढ़ गई है। केलंग सीसू में 3 इंच से अधिक बर्फबारी हुई जबकि दारचा में 2 इंच हिमपात हुआ है। राजधानी शिमला में रविवार को विश्व धरोहर दिवस के मौके पर शिमला रेलवे स्टेशन से पुराने रेलवे स्टेशन तक स्टीम इंजन चलाया गया। शिमला में चलाया गया स्टीम इंजन हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक काल का शिमला रेलवे मार्ग 118 साल का हो गया है। 9 नवंबर 1903 को काल का शिमला रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी। अपने 118 वर्ष के सफर में यह रेल मार्ग कई इतिहास संजोए है। आपको बता दें काल का शिमला रेल लाइन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने जुलाई 2008 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है काल का शिमला, तो उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये ट्रेन चलाई थी। ये जो ट्रेन हमारी शिमला जो है मेन स्टेशन हमारा जो है वहाँ से हमने जो हमारा ओल्ड बस स्टैंड में शिमला एक्सटेंशन एक हमारा वहाँ तक हमने चलाई थी अपर डाउन में। इसमें हमने यात्रियों को नहीं बिठाया था लेकिन इसका हमारा मेन पर्पज़ चलने का ये है कि लोगों में जो हमारे टूरिस्ट है जो बाहर के टूरिस्ट हैं उनको एक आकर्षण का बना रहे आकर्षण बना रहे और टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए टूरिज़्म को और जो है हमारा ताकि हमारे जो हेरिटेज हमारा जो कालका शिमला रेलवेज है उसके लिए लोगों में उत्साह बना रहे, लोगों को मोटिवेशन मिलती रहे और इसके लिए हम लोगों ने ये चलाया। जो स्टीम ट्रेन है ये एक अपने आप में बहुत ही मतलब एक यूनिक सी चीज़ है क्योंकि ये मोर देन 120 ईयर्स जो है हमारा सिस्टम है ये स्टीम का जो है, तो इसको लोगों में बड़ा उत्साह रहता है इसकी उस स्टीम के लिए। तो इसमें मेनली हमारा ये है कि अपना लोग इसमें टूरिस्ट को हम क्योंकि बाहर के जो फॉरेनर हैं वो इसको ज़्यादा लाइक करते हैं, तो यही हमारा इसका है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को टूरिस्ट को प्रमोट करें टूरिज़्म को और लोगों में उत्साह बनाएं। सोलन नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने जीतने पर अपने घोषणा पत्र में शहरवासियों को 100 रुपए प्रति माह पीने का पानी और घरों से मुफ्त कूड़ा एकत्रित करने की बात कही थी लेकिन इसके लिए शहरवासियों को अभी 2 माह का इंतजार करना होगा। यह बात सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। शांडिल ने कहा कि अब सोलन शहर का चहुंमुखी विकास किया जाएगा व शहर में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के तौर पर विकास किया जाएगा। शहर की नालियाँ जो बहुत कई बार सड़ान से जो व्यापारी वर्ग कर रहे हैं ड्यूटी भी करते रहते हैं कई बार देखता था अपने जाने कैसे करना उस और हमारा फोकस रहेगा और इसमें कोई ज़्यादा धन इत्यादि खर्च की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ करने की बात है,
हमने खुद करके देखा हुआ है, जब नहीं किसी जगह में स्पाई होती तो हम खुद रोल अप कर देते थे, स्लीव हो जाती स्पाई। अभी भी मैंने यही कहा है सब अपने काउंसलर्स को और मेयर और डिप्टी मेयर हमारे साथ ही खड़े, ये भी अपने सब कटिबद्ध होकर सबसे पहले शहर को साफ करेंगे नंबर वन। उसके बाद रह जाती है आपके पास पानी की वितरण प्रणाली की, उसको भी हम शीघ्र वितरण प्रणाली को ठीक करेंगे और पानी की कोई कमी नहीं है, जितना लीकेज है उसी तक ध्यान दिया जाएगा। जितनी जगह की हमारी नालियाँ चेंज करनी एट द लास्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको करेंगे, सारी की सारी नालियाँ जो आपकी ऐसी चल रही जो कि सीवरेज के साथ है उनको सेपरेट किया जाएगा, पानी स्वच्छ जाए, पेयजल में किसी प्रकार की कमी ना आए, इसको हमारा बहुत ध्यान रहेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में कोरोना के इलाज में उपयोग होने वाली रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। यहां पर बिना सरकार की इजाजत के दवा का निर्माण किया जा रहा था। मध्य प्रदेश के इंदौर की क्राइम ब्रांच ने अब आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कांगड़ा में सूरजपुर स्थित ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिना किसी अनुमति के रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रही थी। हिमाचल के जिला कांगड़ा में सूरजपुर स्थित ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिना किसी अनुमति के रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रही थी। रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले का खुलासा इंदौर क्राइम ब्रांच ने किया है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक शख्स को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी के पास से नकली रेमडेसिविर के 16 बॉक्स मिले हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी शख्स पेशे से डॉक्टर है और मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक रखता है, जिसकी ओर से लॉकडाउन के बाद ट्यूलिप फॉर्मुलेशन कंपनी में फिर से प्रोडक्शन शुरू कर दी गई थी और इसी बीच साल 2020 के दिसंबर माह में यहां रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के लिए बकायदा धर्मशाला स्थित असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और लाइसेंस अथॉरिटी आशीष राणा के पास आकर अनुमति भी मांगी गई थी, जिसके लिए बकायदा आरोपी शख्स द्वारा कंपनी के मैनेजर पिंटू कुमार को उनके पास भेजा गया था, मगर उन्हें इंजेक्शन की प्रोडक्शन करने की परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद कंपनी अपने प्लॉट में कानूनी तौर पर पेंटाजोल टैबलेट्स का ही उत्पादन कर रही थी। वहीं जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर धर्मशाला आशीष रैना अपने सहयोगी इंस्पेक्टर प्यारचंद के साथ मौके पर पहुंचे और वहां उन्होंने गहनता से छानबीन करने पर पाया कि सूरजपुर स्थित ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की अनुमति तो है, लेकिन इन्हें बनाते वक्त किसी विशेषज्ञ का होना बेहद जरूरी है, लेकिन यह इंजेक्शन बिना विशेषज्ञ की उपस्थिति में ही बना दिए गए। उन्होंने नूरपुर के ड्रग इंस्पेक्टर प्यारचंद को मामले की जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब फैक्ट्री में उत्पाद बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही किसी भी कर्मचारी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। वहीं जिलाधीश राकेश प्रजापति की माने तो उनके जिला के इंदौरा उपमंडल में इस तरह का वाक्य सामने आया है, ये उनके जहन में है और संबंधित अधिकारियों और पुलिस विभाग को इस बाबत अलर्ट कर दिया है, साथ ही तुरंत जानकारी जुटाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उनके पास पूरे मामले की जानकारी मिलेगी तो वे उसे जरूर सार्वजनिक करेंगे। ये जो मामला है मध्य प्रदेश में कहीं उजागर हुआ है इंदौर से, और उसके बाद कुछ कनेक्शन इसका कांगड़ा जिले से जोड़ा जा रहा है। इसमें कल पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इसकी जांच पड़ताल करें और ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से भी जानकारी जो है इकट्ठा की जा रही है, आने वाले समय में कोई सच्चाई होगी तो जो भी कार्रवाई बनती है, जो भी सूचना आपके साथ शेयर करने की जरूरत होगी वो शेयर की जाएगी। प्रदेश में कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, वहीं कोरोना मामलों के साथ ही मौतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। आईजीएमसी प्रशासन ने लोगों को आने वाले 3 हफ्तों के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। प्रशासनिक अधिकारी आईजीएमसी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि अभी कोरोना की दूसरी वेव पूरी तरह शुरू नहीं हुई है, इसलिए आने वाले 3 हफ्तों के लिए सतर्क रहना अति आवश्यक है ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। प्रदेश में रोजाना कोरोना के हजारों मामले सामने आ रहे हैं, वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ बैठ गया है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने आईजीएमसी प्रशासन को 50 नए बेड लगाने के आदेश दिए हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए आईजीएमसी का रुख ना करें, जितना संभव हो सके अपने नजदीकी अस्पताल में ही इलाज करवाएं ताकि अस्पताल में भीड़ की स्थिति उत्पन्न न हो सके। वहीं सोमवार से आईजीएमसी अस्पताल में बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा ताकि कोरोना मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए। जानकारी अनुसार प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल को भी कोरोना मरीजों के लिए खोला गया है।
वहीं प्रशासनिक अधिकारी IGMC डॉक्टर राहुल गुप्ता ने कहा कि आने वाले 3 हफ्ते कोरोना संक्रमण के गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि संक्रमण से बचा जा सके। वहीं उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि अस्पताल सहित बाजारों में आते समय सभी लोग कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें। IGMC जो है वो मॉडरेट टू सीवियर केसेस जो कोरोना के हैं, गंभीर से अति गंभीर, वो हमारे पास जो है वो स्टेट से, पूरी स्टेट से दाखिल होके आते हैं, दाखिल होने के लिए आते हैं। और इस वक्त तो हमारे पास जो है वो 127 पेशेंट हैं जो एडमिटेड हैं, जिनकी हालत गंभीर से अति गंभीर बनी हुई है। तो सारे ही पेशेंट जो हैं वो हमारे पास एडमिटेड हैं, और कल ही गवर्नमेंट ने हमें और आदेश दिया है कि बेड्स की संख्या जो है और बढ़ाई जाए। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं सोमवार तक जो है वो 50 बेड और ऐड किए जाए। उसके लिए आज ही हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा ऑक्सीजन का इंतजाम और बाकी भी थोड़ा देखना पड़ता है। तो सोमवार तक हम 50 बेड और बढ़ाएंगे। जनता से तो हम आपके माध्यम से यही आग्रह करना चाहते हैं कि जो सरकार ने आपको 2 गज की दूरी रखने के लिए, मास्क रखने के लिए, लगाने के लिए कहा है, वो आप प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात ये है, हम दिल से ये लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपका कोई अति जरूरी या आवश्यक काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। जितना हो सके बाहर घूमना फिरना जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल्स है या ऑक्सीजन के संबंधित ये है, दवाइयों का बेसिकली लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है। तो लोगों का जो इसमें भागीदारी है सुनिश्चित करना, उनको अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझना जो है वो जरूरी है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के उपलक्ष्य पर शिमला के गेयटी थिएटर में शीत मरुस्थली कहे जाने वाले जिला लाहौल स्पीति की ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाती प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल स्टेट म्यूजियम की ओर से लगाई गई इस प्रदर्शनी में जिले के ऐतिहासिक व सामरिक महत्व के अलावा वन्य जीवों को भी बखूबी प्रदर्शित किया गया है। हिमाचल राज्य संग्रहालय के डॉक्टर हरी चौहान ने बताया कि इस प्रदर्शनी में लाहौल जिले के मिक्स हेरिटेज कल्चर को दर्शाया गया है। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में कोरोना से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना की जा रही है और प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए काफी लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य नई पीढ़ी को प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर और समृद्ध संस्कृति से रूबरू करवाना है। हिमाचल स्टेट म्यूजियम द्वारा ये एग्जीबिशन वर्ल्ड हेरिटेज डे के उपलक्ष्य में लगाई गई है। इस एग्जीबिशन में जो स्पीति एक ओल्ड डेजर्ट कल्चर हेरिटेज के टॉपिक्स पे लगाई गई है, क्योंकि इस बार का जो थीम है वो भी हमारा जो मिक्स्ड कल्चर हेरिटेज है उस पे है। और दूसरा इसका लगाने का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे को सेलिब्रेट करने का, कि हम अपनी जो नई पीढ़ी है उनको अपनी कल्चर हेरिटेज के प्रति उनमें अवेयरनेस जगाएँ और इसके प्रति उनका एजुकेट करें कि इनको प्रिजर्व करने के लिए उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक हमारे इनहेरिटेड जो हमारे जिसको कहते हैं एंसेस्टर्स द्वारा जो क्रिएशन है उसको प्रिजर्व करना हमारा एक नैतिक दायित्व है। जो ये एग्जीबिशन है 3 दिन तक चलेगी और इसमें स्पीति के डाइवर्स जो कल्चर हेरिटेज को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें रॉक आर्ट्स है, वहाँ का खासतौर पे पेट्रोग्लिफ्स और पिक्टोग्राफ्स के जो साइट्स हैं जो स्टेट म्यूजियम शिमला द्वारा खोजे गए हैं, स्टोन टूल्स है, मोनेस्ट्रीज है, और एक्सटिंक्ट जो एनिमल स्पीसीज जो अब लगभग ख़त्म होने के कगार पे है, जिसमें ब्लू शिप और आईबैक्स और ये जो जंगली जिसको कहते हैं कुछ स्पीसीज है उनको ये इसमें दर्शाया गया है। जिला कांगड़ा के शाहपुर उपमंडल के तहत पड़ते करेरी झील ट्रैक पर कुछ दिनों से पाकिस्तान की मोबाइल फोन कंपनी का सिग्नल आ रहा है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह धर्मशाला क्षेत्र से ट्रैकर्स का एक दल करेरी झील की तरफ गया था। इस ट्रैक में नौली खड और ल्यूटी क्षेत्र से लेकर करेरी झील तक
किसी भी मोबाइल फोन कंपनी का सिग्नल नहीं होता है, लेकिन ट्रैकर्स के मोबाइल में अचानक पाकिस्तान के दूरसंचार कंपनी के सिग्नल दिखने लगे। जब यह ग्रुप धर्मशाला लौटा तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचित किया। सूचना के बाद पुलिस ने इस संबंध में दूरसंचार विभाग शिमला को पत्र लिखा और जाँच के बाद रिपोर्ट सौंपने को कहा। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि पुलिस ने दूरसंचार विभाग शिमला को पत्र लिखा है। सुरक्षा एजेंसियों को भी सचेत रहने का निर्देश दिया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीकी कारणों से होता है, कई बार फ्रीक्वेंसी बढ़ने से सिग्नल आगे निकल जाता है। ये कोई अफवाह नहीं है, मेरे पास इनडायरेक्ट माध्यम से लेकिन कुछ ट्रैकर्स करे गए थे और बाद में हमने उनसे बात भी की है। उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पुलिस के साथ शेयर की थी कि सैटरडे को वो करेरी ले गए थे, रात में वहाँ रहे, संडे को जब वो नीचे आ रहे थे तो उनके मोबाइल के ऊपर पाकिस्तान के मोबाइल का सिग्नल आया और कुछ मोबाइल के ऊपर जो आई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट हो गया। इतनी ही इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने हमें दी है। तो ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी यहाँ होते रहे हैं, पहले भी 2018 में गलू धर्मकोट साइड में पाकिस्तान मोबाइल के कुछ सिग्नल ट्रैक किए गए थे। उसके बाद उसमें जांच जो है वो बेसिकली पुलिस का जांच में या इसका संज्ञान लेने में कोई भी रोल नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्राधिकार है। और इसलिए हमने एक लेटर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो शिमला ऑफिस है उनको लिख दिया है और उनको इस बारे में सूचित कर दिया है कि हमारे पास इस तरह की सूचना आई है, आगे जो भी कार्रवाई होनी है, चाहे उसमें उन्होंने टेक्निकल टीम भेजनी है, चाहे उन सिग्नल्स को काउंटर करना है, जो कुछ भी है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्राधिकार में आता है और उन्होंने ही इसमें आगे कार्रवाई करनी है। नहीं, बॉर्डर के साथ तो नहीं लगता, लेकिन ऑल्टीट्यूड हाइट बहुत ज़्यादा है, सो वहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वहाँ पहुँच रही है। सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा हमारे लिए ये चिंता का विषय हो सकता है कि उस सिग्नल को कोई मिसयूज़ करे, तो उस दृष्टिकोण से जो हमारी खुफिया तंत्र की एजेंसीज़ हैं स्टेट की और भारत सरकार की, उनके साथ भी हमने ये सूचना जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी है। शिमला के सर्कुलर रोड से सब्जी मंडी को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग में सड़क किनारे नालियों का निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है। इस सड़क मार्ग में रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं और दिन भर इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। सड़क किनारे निर्माण सामग्री के ढेर लगे हैं और ऐसे में रास्ता तंग होने से यहाँ पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़क पर गड्ढे होने की वजह से यहाँ वाहन चलाना, विशेषकर दोपहिया वाहन चलाना, किसी चुनौती से कम नहीं है। स्थानीय दुकानदार और वाहन चालकों का कहना है कि सड़क की मुरम्मत और नालियों के निर्माण कार्य में हो रही देरी लोगों पर भारी पड़ रही है। कार्य में हो रही देरी और कार्यस्थल पर बिखरी निर्माण सामग्री से उठ रही धूल से आसपास के लोगों में काफी रोष है। ये रास्ते में पूरा खंड खंड सब पड़ा हुआ है, मलबा सारा जहाँ है वही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। गाड़ी गुड़ी सब साइड में जाम भी लग रहा है। बोला था कि हम 3 महीने में बना के दे देंगे, तो आज मेरे ख्याल लगभग 6 महीने 7 महीने हो गए। कभी कोई कह रहा है स्टे ले लिया हुआ है, कोई कह रहा है कुछ कर लिया हुआ है। हाँ, पैदल चलने वाले कहीं गिरते हैं यहाँ पे। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं ये काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। रास्ते में देखो सारे मिट्टी पड़े, रेत पड़ा हुआ है, खड्डे पड़े हुए, आने जाने के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो प्रशासन इसके कुछ नहीं कर रहा। पहले तो उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने में बनाएंगे, तो आज जैसे बताया कि 6-7 महीने वैसे निकल गए, तो अभी तो काम नहीं हुआ पूरा। बड़ी मुश्किल होती है आने जाने में, शाम को अंधेरे के टाइम तो और भी ज्यादा दिक्कत है। पानी रुक रहा है, जैसे बारिश हुई कल पानी रुका। हिमाचल प्रदेश वॉल्वो सेल चालक परिचालक संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल HRTC के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार से मिला और अपनी कई मांगे प्रबंधन के समक्ष रखी। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि शिमला में अवैध रूप से चल रही निजी वॉल्वो बसों पर अंकुश लगाया जाए। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग में जो अनियमितताएं हैं उन्हें भी दुरुस्त किया जाए। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने निगम प्रबंधन के समक्ष अपनी समस्या भी रखी, जिसका जल्द समाधान का HRTC प्रबंधन ने आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश वॉल्वो सेल चालक परिचालक संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने HRTC के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत करवाया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश वॉल्वो सेल चालक परिचालक संगठन के अतिरिक्त प्रधान ने बताया कि उन्हें कई परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रबंध निदेशक के समक्ष विभिन्न मांगे रखी गई है,
जिनमें अवैध निजी वॉल्वो बसों पर अंकुश लगाना, ऑनलाइन बुकिंग में अनियमितता को दूर करना, मंडी हाउस में बसों की पार्किंग की व्यवस्था करना और बस संस्थान में कुली का बंदोबस्त करना सहित कई मांगे शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि एचआरटीसी प्रबंधन उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करेगा। सर्वप्रथम अवैध निजी वॉल्वो बसों पर अंकुश लगाने के बारे में था, दूसरा डिमांड हमारा ऑनलाइन बुकिंग के बारे में अनियमितताएं जो थी उसके बारे में था, तीसरा हमारा मंडी हाउस, हमारा गाड़ी शिमला से जो यहाँ से हैं वो मंडी हाउस के लिए जाता है, हमारा गंतव्य मंडी हाउस का है, वहाँ के लिए जाता है, वहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था के लिए था और वहाँ के बुकिंग के लिए था, और वहाँ पे दिल्ली में गाड़ियों की यात्रियों का सामान की व्यवस्था और यात्रियों के सामान को रखने के लिए कुली रखा जाता था प्रबंधन की ओर से, उसके प्रति था। चौथा हमारा चंडीगढ़ में से हमारी पूरे हिमाचल प्रदेश की गाड़ियाँ आती जाती हैं, वहाँ पर काउंटर टाइमिंग के बारे में हमारा उनसे डिस्कशन था, और पांचवा हमारा हमारी वॉल्वो बसेज है नाहन और हमीरपुर में खाली चलती थी, वहाँ पे अभी NIT संस्थान खुल रखा है हमीरपुर में, वहाँ पे उनकी जगह उनके लिए विशेषता वहाँ पे गाड़ी चला रखी थी हमारे DDM महोदय जी ने, लेकिन वो खाली चल रखी थी तो उनको ऊपर से फरमान थे, उन्होंने खाली गाड़ी चला रखी थी तो उसके बारे में, और नाहन में भी वहाँ पे किसी माननीय द्वारा आदेश किए गए थे कि वहाँ पे गाड़ी आपकी वॉल्वो बस जाए और तथा वापिस आए, लेकिन सवारियाँ ना होने की वजह से गाड़ियाँ खाली चल रही थी, तो उसकी डिमांड के प्रति भी हमारा प्रबंधन जी से डिस्कशन हुआ है, उन्होंने भी इसके बारे में बताया है कि हम इससे सहमत हैं। और तीसरा हमारा अपना नाइट ओवर टाइम के लिए और NDR के लिए डिस्कशन था, इसमें अभी सहमति नहीं बन पाई है, अभी BOD का 19 तारीख को मीटिंग है, तो BOD का 19 तारीख को मीटिंग के उपरांत ही कोई वहाँ से डिसीजन आता है तो फिर ही हम आगे की रूपरेखा बना सकते हैं। और आज की मीटिंग के लिए हम अपने प्रबंधन निदेशक महोदय जी से, सब समस्त कर्मचारी वर्ग, जितना हमारा चालक परिचालक वर्ग है वो खुश था और खुश है, और हम आशाविंत हैं कि वो आगे हमारी इन डिमांडों को मुख्यतः से गंभीरता से लेंगे। वही HRTC के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने कहा कि वॉल्वो सेल चालक परिचालक संगठन ने जो भी समस्याएं उनके ध्यान में लाई है उनका समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जो वॉल्वो बसें चल रही हैं जो कि डायरेक्टली HRTC के जो हमारे पैसेंजर हैं उनको वो अवैध तरीके से ट्रैप कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बातचीत की है, जिसके बारे में हम जो भी कार्रवाई होगी उसमें करेंगे, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से भी बात करेंगे। बसों की साफ सफाई और जो काउंटर्स चंडीगढ़ और दिल्ली में हैं उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में, उनकी उपलब्धता के बारे में इन्होंने विषय मेरे ध्यान में लाया है, उसके बारे में जो हमारे इंचार्जेज हैं चंडीगढ़ में और दिल्ली में उनसे बातचीत की जाएगी। इसके अलावा इनके कुछ ओवर टाइम को लेके इश्यूज हैं, उनके ऊपर भी हम अपने स्तर पर हेड ऑफिस में आंकलन करेंगे, और जो भी एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए होगा उसको हम करेंगे। हम HRTC जो है वो पैसेंजर्स को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध हैं, और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी वेलफेयर का भी ध्यान रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। राजधानी के साथ लगते गोलछा गांव में शिमला जल प्रबंधन निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है, लेकिन इस प्लांट में अव्यवस्थाओं के कारण स्थानीय लोगों को कई परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्लांट में लगी मशीनरी की तीखी आवाज के कारण जहां बच्चे पढ़ नहीं पाते वहीं बुजुर्ग चैन की नींद भी सो नहीं पाते हैं। वहीं प्लांट से निकलने वाला पानी स्थानीय पेयजल स्रोतों को भी दूषित कर रहा है। शिमला जल प्रबंधन निगम द्वारा शहर और साथ लगते कई क्षेत्रों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। SJPNL द्वारा गोलछा में भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। स्थानीय लोग इस प्लांट में अनियमितताएं होने की बात कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम इस प्लांट से जो भी पानी छोड़ा जाता है उससे पेयजल स्रोत दूषित हो रहे हैं, और इन पेयजल स्रोतों से पशु पानी पीते हैं, जिसके कारण पशुओं के बीमार होने का भी खतरा बना रहता है। इनका यह भी कहना है कि प्लांट में लगी मशीनों के तेज आवाज के कारण जहां बच्चे पढ़ नहीं पाते वहीं बुजुर्गों को भी परेशानियां होती है, जबकि सीवरेज के टैंक भी खुले पड़े हैं जो खतरनाक साबित हो सके हैं। इन टैंकों को भी ढका जाना चाहिए। तो यहां पशु वगैरह जो भी है वो ये गंदा पानी पी रहे हैं और काफी दिक्कत आ रही है, और उससे स्मेल भी काफी आ रही है, जिससे आने जाने में हमारे को बहुत कठिनाई हो रही है। आना जाना वहीं से, रास्ता वहीं से है। और दूसरा, हमारे जो ये जनरेटिंग मशीनें लगाई गई इसमें साउंड काफ़ी तेज है, तो यहाँ जो सामने के जितने भी हमारे 8-10 लोगों का गांव है मतलब वहाँ काफ़ी नॉइज़ पोल्यूशन है, और वहाँ दिन भर मतलब कोई भी काम आप नहीं कर पा रहे।
क्योंकि दिक्कत आ रही है लोगों को, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो मतलब सोने में या कोई काम करना हो तो काफ़ी तेज आवाज़ है। ये हमारे गांव में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बना है, इससे बहुत सारी दिक्कतें आस पड़ोस के गांव में और हमारे स्थानीय लोगों को तो है ही है। इससे निकलने वाली जो सीवरेज है, ये क्या करते हैं कि जिस दिन बारिश का मौसम होता है या बारिश आने वाली होती है, उस दिन सारा जो अपना इनका वेस्ट मटेरियल है ये एकदम बिना फिल्टर किए एकदम छोड़ देते हैं, जिससे कि ये सीधा नाले में चला जाता है और आगे जो पेयजल है जो कि बहुत से नेचुरल सोर्सेज है जहाँ से कई लोगों ने अपने घरों तक के लिए पानी जोड़ा है, वहाँ तक का पानी प्रदूषित कर रहे हैं। और साथ में ही इन्होंने एक एग्जॉस्ट फैन भी एक ही सीवर जो प्लांट का जो टैंक है उसमें लगाया है, जिससे साउंड पोल्यूशन इतनी है कि आस पड़ोस के जो गांव है यहां तक कि दुदली, रग्यान, कमिहाना और आपका कुप्टाधार तक ये साउंड इफेक्ट करती है, जिससे ना तो कोई बुज़ुर्ग आदमी घर पे रहकर रेस्ट कर सकता है, मरीज है चाहे बच्चे है, और ऊपर से कोरोना भी चला है तो सभी लोग घर पे हैं। लेकिन इसके लिए भी एक्सिन से बात भी हुई थी तो एक्सिन ने भी कहा था कि ये हम जल्द ही इस चीज को सॉल्व करेंगे। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही, नमस्कार।